इतने सारे पशुओं में, यह तकरीबन यहाँ से लेकर वहाँ तक सारे पशु ही पशु हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, इनकी सारी मैं विजिट कराऊंगा कंप्लीट, लेकिन एक बार फिर भी आपको बता देता हूँ, इन्होंने ये सारे पशुओं में एक बेहतरीन नग निकाला है। और सभी दोस्तों से गुजारिश है कि आप आइए और अपने विजिट कीजिए, भैंसें आ चुकी हैं। आज बृहस्पति का दिन है और कल शुक्र का दिन है, मनपसंद की भैंसें आप खरीदिए, भैंसें टोटल आ चुकी हैं। धन्यवाद। ये बिक गई। अरे तो ये तुम जब पूछ रहे हो मैं। अरे यार आई होगी, इनके हाथ में दो तभी तो इन्हें पता लगेगा। यहाँ वाला नमस्कार पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका। मैं आपका दोस्त आपका साथी डॉक्टर समीर एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ आपके लिए। मैं आपका दोस्त हूँ आपका साथी हूँ, आप मेरी YouTube फैमिली हैं। आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी वाली वो ज़बरदस्त भैंसें मैं दिखाता हूं जो आप सोचते हैं। ये हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे चाचा हैं, तकरीबन हमारे यहां से 105 किलोमीटर दूर से आए हैं। रुक जाओ इधर को इतने खड़े कर लो, इतने उतने मुझे भी आ गई इधर ही खड़े कर लो, तो साथ में खड़े करो ना मेरी गाड़ी से बचा के, कभी गाड़ी तोड़ दो चाचा, पैसे भी नहीं है मेरे पास। आगे खड़े हो जाओ चाचा, तुम आगे खड़े हो जाओ। हाँ, ये मेरी वीडियो तकरीबन कई महीने से लगातार देख रहे थे, आज इन्होंने सोचा कि हम भैंस लेंगे आपसे, और ये आ गए। कहाँ से आए हो आप? बिजनौर। बिजनौर में कौन सा गांव है? मंडावली। बिजनौर में मंडावली गांव है चाचा, उधर खड़ा करो एक तरफ को, ऐसे इससे बांध दो ना कुंदे से, परेशान क्यों हो रहे हो? मंडावली गांव है बिजनौर में, तकरीबन मेरे यहां से 106 107 किलोमीटर है। और कब से वीडियो देख रहे हैं आप? पंद्रह दिन से लगातार देख रहे थे। फिर मन कब बनाया आपने भैंस लेने का? मन बनाया था परसों मन बनाया और आज लेने आ गए। तो आपने एक भैंस एक पशु खरीदा, ये पशु अभी जस्ट बिल्कुल जैसे ये आए चाचा, उसी टाइम ये पशु मेले से आया था, और इन्होंने इतने सारे पशुओं में, यहाँ तकरीबन यहाँ से लेकर वहाँ तक सारे पशु ही पशु हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, इनकी सारी मैं विजिट कराऊंगा कंप्लीट, लेकिन एक बार फिर भी आपको बता देता हूँ, इन्होंने ये सारे पशुओं में एक बेहतरीन नग निकाला है। और ये नग, रुक जाओ यार, ये बेहतरीन नग निकाला है, और मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि ये कितने की इन्होंने भैंस ली है, कितने मंथ की गावन है, नीचे बच्चा है, क्या है, क्या नाम है आपका? मुनेश भाई। और आपका? नरेश। नरेश सिंह जाट और मुनेश सिंह जाट कहाँ से आए हैं? जिला बिजनौर। बिजनौर के तो वैसे भी मशहूर हैं, हैं? हर चीज़ में मशहूर हैं, एक तो खड़ी भाषा में, और दूसरी एक और मशहूर है, बदमाशी। अच्छा, नजीबाबाद की साइड की थी। अच्छा, पहले पुराना जमाना था, लेकिन एक वो चलता है ना कि बिजनौर के जाट्टा और बिजनौर के बदमाशी, ऐसा चलता था। तो कितने की भैंस लिया आपने? 78 की भैंस ली। कितने मंथ की गावन है? 68 की। हाँ, 68 की। 68 गलती, कोई बात नहीं है, तो भूल चूक है, ये तो हिसाब है। 68 की भैंस ली है, और कितने मंथ की गावन है? 5 महीने की गावन। नीचे है क्या है? कटिया। कौन सी है भाई चाचा? ये कटिया है, 5 मंथ की गावन है। थनों का साइज, अडर का साइज मैं दिखाता हूँ, कितना बेहतरीन चारों थन बिल्कुल। बड़े बूढ़े का यही एक फायदा होता है कि आदमी साथ लेके चलता है तो बताता है कि कौन सी भैंस हमें लेनी है। तो ये इनके साथ हैं, इनके भाई हैं आपके? हाँ। बड़े भाई हैं, बड़े भाई हैं। इन्होंने सारी चीज़ें इनको देखभाल कर परख के इन्होंने ये भैंस खरीदी। देखो चारों थन बराबर हैं और अलग अलग थन है। ये भैंस है बिल्कुल प्योर मुर्रा है, इसमें कोई नहीं, इसमें 95% मुर्रा है, और ये इसका बच्चा, ये भी फीमेल है। इन्होंने 68,000 रुपये की भैंस खरीदी है, मेरे यहाँ से तकरीबन 105 किलोमीटर दूर है। तो सभी दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि आप आइए और बेहतरीन से बेहतरीन अपनी मनपसंद की भैंस वो खरीदिए। चाचा इन्हें भैंस दो, मालिक इनकी लेनी करें, ले दो सर, माथे से लगा लेंगे। और इनके एक पंडित जी ने कहा था कि सिर्फ आज ही आज भैंस आनी है, 12 बजे के बाद भैंस नहीं आएगी। तो हमने कैसे भी करके आज कावड़ का दिन था, इनकी गाड़ी के लिए अरेंजमेंट कराया है, मालिक इनकी लेनी करें। बांध दो भाई इधर। अब मैं दूसरी भैंसों के आपको विजिट करा देता हूँ। एक ये भैंस है, हटिए बेटे। कितने दिन की गावन है चाचा ये? गावन है 6.5 की। अभी तो 5 की बता रहे, 6.5 की है, 6.5 महीने की गावन है, 10 लीटर दूध है। बच्चा है इसका? ना। बच्चा नहीं है, बेहतरीन साइज है, बेहतरीन जबरदस्त भैंस है। मैं आपको दिखा देता हूँ, हटी बेटे। अरे ले यार, मैं ले गाऊं।
एक ये भैंस है, इसका भी बच्चा है और ज़बरदस्त साइज़ है। मैं आपको बताता हूँ अपने दोस्तों कि आप आइए, भैंसें आ चुकी हैं। एक ये भैंस है, ये कितने की आपने चाचा है? तीन महीने की आवन है, बच्चा नीचे है। और एक ये भैंस है लंबी चौड़ी जबरदस्त, देखो 4.5 महीने की आवन है, बच्चा नीचे है, 9.5 लीटर दूध है, लंबी चौड़ी ठाड़ी भैंस है। तो सभी दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि आप आइए, अपनी मनपसंद की भैंस खरीदिए। एक ये भैंस है, देखो एक ये भैंस है, सारी 10 से 15 भैंस है मेरे पास है। आप आएंगे मेरे पास तो अपनी मनपसंद की भैंस आप खरीदेंगे, बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी वाली ला कर देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर समीर है और देख रहे हैं आप मेरा चैनल DR समीर वेट। मेरा एड्रेस है, गांव का नाम खानपुरबंद, थाना असमोली है, जिला संभल उत्तर प्रदेश। कौन है ब्याह कराने वाला? ये इन सब के बच्चे हैं, ये सब बच्चे हैं, ये हमारे चाचा हैं, उन्होंने बताया। और ये हमारे चाचा हैं, दो करा दे यार मेरे। आगे को आ जाओ, बराबर में आ जाता हूँ। नमस्कार पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका। मैं आपका दोस्त, आपका साथी डॉक्टर समीर एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ आपके लिए। मैंने कुछ भैंसों की वीडियो आपको पहले भी डाली थी और हमेशा डालता रहा हूँ। आप भैंसों की वीडियो मेरे चैनल पर देखते हैं, DR समीर वेट मेरे चैनल का नाम है। आप दूर दूर से आते हैं, मेरा मनोबल बढ़ाते हैं और अपनी मनपसंद की हरियाणा नस्ल की बेहतरीन मुर्रा नस्ल की भैंसें लेकर के जाते हैं और आप अपने पड़ोस में, रिश्तेदारों में, भाइयों में, भाईचारों में सबको दिखाते हैं कि देखो मैं डॉक्टर समीर से भैंस लेकर के आया हूँ। ये भाई हैं तकरीबन यहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर से आए हैं और 4-5 महीने से लगातार मेरी वीडियो देख रहे थे। आज इन्होंने जोड़ ताड़ करके, कल भी आए थे ये और कल 200 रुपये का बयाना देने के बाद में ये भैंस पसंद की और कहा कि डॉक्टर साहब हम कल आएँगे और कल आपसे भैंस लेकर के जाएंगे। तो इन्होंने बहुत ही बेहतरीन एक नगीना भैंस झोटी एक तैयार की है और उसमें से इन्होंने एक नगीना बेहतरीन झोटी छाटी है और उसमें से एक ज़बरदस्त की भैंस खरीदी है। ये बेचा है और ये दोनों लेवा हैं। अब ये भाई साहब बताएंगे कहाँ से आए हैं। कहाँ से आए हो भाई? गांव सलाबाद, तहसील शिकारपुर, थाना छतारी, जिला बुलंदशहर, तहसील छतारी, गांव सलाबाद। कब से देख रहे हैं वीडियो मेरी? काफी टाइम से देख रहे हो। जैसी वीडियो में देखा था वैसी ही भैंसे हैं, कोई चाल फेर तो नहीं है आपके साथ, कोई ऐसा वैसा कोई काम तो नहीं हुआ? कल आप आए थे, कितने रुपए का बयाना दिया आपने? 200 रुपए का। आपके 200 रुपए के चक्कर में भैंस रोकी? ग्राहक तो और भी आए थे, उन्होंने और ने पसंद किए, लेकिन आपके 200 रुपए का बयाना था, जितना आपने टाइम दिया उतने टाइम तक हमने भैंस रोकी ना। भैंस पसंद है? कितने महीने की आवन है? 3 महीने की आवन। कितना दूध है? 8 लीटर दूध, 3 महीने 51। आप खुश हो? ये गांव के हैं, ये बेचा है और ये लेवा है। क्या नाम अपना? नरेश भाई। और अपना दिनेश यादव, नरेश यादव, दोनों यादव ही हो ना? नरेश यादव, दिनेश यादव, बेहतरीन झोटी लिए है। कितने के लिए है? 55,000 रुपए की लिए है। मैं दिखाता हूँ आपको, जड़ थन दिखाता हूँ, बेहतरीन क्वालिटी वाली जो लंबे लंबे थन है। इसका अर्डर का साइज और थनों की बनावट जो है बहुत शानदार, भैंस की बनावट है, बेहतरीन नई झोटी है, 4 दांत है, जबरदस्त 55,000 रुपये में ली है भाई। 4 से 5 महीने की लगातार मेरी वीडियो देख रहे थे। और ये गाड़ी है, जब हमेशा से ये गाड़ी में भेजता हूँ, इस गाड़ी की मैं विजिट कराता हूँ। ये नंबर है UP 23 80 43 26। गाड़ी के मालिक का नाम मंटू है और ये इसी में मैं भेजता हूँ जो लंबे टूर पर मेरे पास से भैंसें जा रही हैं। सभी दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि आप आइए और अपनी मनपसंद की भैंसें वो खरीदिए, जो आप सोचते हैं हरियाणा, पंजाब, राजस्थान आप जा रहे हैं और वहाँ ना जा करके आप मेरे पास आइए। और मैंने ऑनलाइन भी आपको भिजवाई थी, ऑनलाइन भी भिजवाता रहूँगा, बस आपके सपोर्ट की, आपके मनोबल की ज़रूरत है। चढ़ाओ भाई मिंटू भाई, चढ़ाओ, चढ़ते हुए चढ़ाओ भाई। भैंस मालिक तुम्हारी लेनी कर रहा है, आराम से आराम से। चलो डालो डालो डालो, इसमें डालो। लंबी छोटी और लंबी चौड़ी नई झूठिया है, वहां बांधो भाई, बांधो
ये गाड़ी में चढ़ चुकी है और ये भाई हैं ड्राइवर हैं और वो लेवा हैं। अब गाड़ी यहाँ से निकालते हैं, मालिक तुम्हारी लेनी करे। मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। मेरा गांव का नाम खानपुर बंद, थाना असमोली, जिला संभल उत्तर प्रदेश है। आपने कितने रुपए देने हैं? 12,300। 12,300 मेरे ड्राइवर को देने, सही है? नहीं, 300 देने हैं। और गाड़ी में से भैंस तब उतरेगी जब ये 12,300 दे देंगे और इनका नेक दे देंगे, सही है? समझ गए भाई मंटू भाई? हाँ, लोड़ा का ब्याह हो गया तुम्हारे। हाँ, ये ब्याह हो गया, समझ लो। तुमने जब नई छोटी 55,000 में खरीद ली, अगर झुला के तुम इसको 1,25,000 1,30,000 की न बेचो तो बेकार है। इसका जो सीमन रखा हुआ है, शेरे हिंदुस्तान का सीमन रखा हुआ, 2,500 का तो सीमन है इसका, 2,500 का सीमन। और उसके दूध की मिल्किंग की जो बता रहा हूँ, पीएस जो है ना, ये ब्याने के टाइम पर 19-20 का रिकॉर्ड है इसका दूध का। जब ये 8 महीने का आया, मेरा नंबर तो आपके पास है, मुझसे बात कर लियो। एक ऐसी चीज बता दूंगा मैं, ऐसी चीज बता दूंगा जो इसका अडर बड़ा हो जाएगा, दूध की मिल्किंग बढ़िया हो जाएगी इसकी, समझे? जो इसका बड़ा आयरन निकालेगी और दूध तुम्हारे मनपसंद का दूध देगी ये। मेरा नंबर आपके पास है, नई झोटी आपने पसंद की है, बढ़िया झोटी है, इसको टैल करना बस, समझ गए आप? हेलो, ना मैंने इनसे कह दिया मंटू भाई, जब बाद में गाड़ी पहले बाद में उतरेगी, पहले पैसे मिलेंगे। ठीक, ना दूसरे की है ये, उठा लो यहाँ से, उठा लो यार। और ये अपनी भैंस की रक्षा करते हुए और दोनों भाई यहाँ से चारों उठा रहे हैं और डाल रहे हैं। ऐसे उठा लो, ऐसे भर लो कोलिया यार, बस इतना ही, कुछ ज्यादा लंबा सफर थोड़ी है तुम्हारा। समझ गए क्या समझाया था मैंने? लाओ वो पैसे दे दो, वो जो पैसे वहां से आए थे पानीपत से, पूरे दो। हाँ,